तो भाई देखो, इतना सारा दवा जो है डाल रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस है भाई? तो भाई साहब आराम से रहेगा सबके। तो भाई अपन दवा तो डाल ही रहे थे, लेकिन स्प्रे करते करते भाई जो है मेरे को यहाँ खेत तक बहुत दूर से आया यार। राहुल कुमार मेरा नाम है, मैं दिल्ली से आया हूँ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? वापस से आप सभी का स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। तो अभी बज रहे सुबह के 6 और आज के ब्लॉग को मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो गाइस, आज मैं नहीं जा रहा सब्ज़ी लाने और सब्ज़ी बेचने भी, क्योंकि आज जो है तीज का त्यौहार है और जो है खेतों में जो है दवा डालना है अपने को कीटनाशक। तो चलो यहाँ से निकल रहे हैं खेतों की तरफ। भाई साहब देखो, हमारे गाँव में सुबह सुबह का माहौल कुछ इस प्रकार से, और ये रास्ता को आप लोग जानते ही होंगे, ये खेत की तरफ जाने वाला रास्ता है जो कि कच्चा वाला रास्ता है। अभी ये देख सकते हैं भाई साहब, फाइनली पहुंच गए। तो चलो भाई, सबसे पहले जो है कपड़ा को अपना चेंज कर लेते हैं, दूसरा वाला पहन लेते हैं, दवा डालना है ना। तो भाई देखो, रेडी हो गया, अपन शर्ट चेंज किया, शर्ट टी शर्ट वही फटा वाला, और ये अपना स्प्रेयर कैसा लग रहा है। अभी तो ये खाली है तो बहुत हल्का है, हेवी नहीं है। चले बीड़ू, चले। कैसे लग रहा है फर्स्ट टाइम जो है स्प्रेयर पकड़ के? भाई मेरे को तो बड़ा खुशी हो रहा है, मतलब मज़ा आ रहा है। अभी अपना इंटरेस्ट ज़रूर बताना कि फार्मिंग से कितना लगाव है, कितना अच्छा लगता है फार्मिंग करना उसको, क्योंकि मेरे को जनरली जो फार्मिंग है, जो काम है, जो फार्मर्स है उनसे मतलब बहुत ज़्यादा लगाव है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये काम जो है मेरे को। भाई लोग, इस व्लॉग के माध्यम से मैं ना आप लोगों को बस जो फार्मर्स की लाइफ स्टाइल है उस चीज़ को एक्सपीरियंस कराना चाह रहा हूँ कि कितना जो है मेहनत लगता है और कैसा होता है फार्मर्स का लाइफ स्टाइल। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग इन्जॉय ज़रूर करेंगे करोगे इस व्लॉग को। अगर अच्छा लग रहा होगा तो अभी से लाइक मार दे रहे नाइट यार। तो भाई फाइनली पहुंच गए जिस खेत में जो है दवा डालना है। देखो ये वाले में पहले डालना है, फिर उसमें डालना है, या फिर वो जो देख रहे हैं पीछे उसमें पहले डालेंगे या फिर इसमें पहले डालेंगे, ये दोनों में जो है पहले डलेगा। देखते हैं कितना टाइम जो है लगता है डालने में। अभी बस स्प्रेयर को चेक करना है कि ये सही चल रहा है कि नहीं। ठीक, ये देखो भाई, इसको जो है और बढ़ा सकते हैं। ये फुल फुल है, इसका फुल ये ऐसे ही चलता रहता है। ये देखो फवारा सही वर्क कर रहा है भाई। तो भाई देखो, इतना सारा दवा जो है डाल रहे हैं, ये किस किस चीज़ के लिए है उसको भी बताता हूँ आप लोग को। ये देखो, एक है इंडोथ्रिन और बॉक्ट एंटीबायोटिक, रेडमी फॉर प्लांट्स, फंगस नाशक है ये, और एक ये डाल रहे हैं भाई अवतार, ये देखो, और ये सबको मिला लिए हैं एक साथ पूरा पूरा। तक ये सभी दवा को जो डाल रहे हैं ना, वो धान में जो है चावल की फसल में एक बीमारी आता है, तना छेदा बीमारी, उससे वो बीमारी जो कुछ कुछ में आया है, रुको आप लोग को थोड़ी देर में दिखाता हूँ। तो वो बीमारी ना आए करके, जैसे कोरोना का वैक्सीन लगता है ना, कोरोना ना आए करके, तो सेम खेत में जो है तना छेदा ना आए करके ये वैक्सीन लग रहा है उसका हर साल, क्योंकि वो बीमारी जो है ऐसा है कि आ जाता है। और यार बहुत लोग कमेंट भी करेंगे कि भाई आप ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या करो, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों नहीं करते, तो इसके ऊपर ये वीडियो के लास्ट में जो है बातें करेंगे। और अगर मान लो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना, तो किसी और वीडियो में बातें करेंगे भाई। भाई देखो, स्प्रेयर जो है लाद लिया है, इसमें जो है 20 लीटर पानी है भाई, पूरा पानी और दवा मतलब कीटनाशक मिला के। तो चलो छिड़काव करते हैं अपन। तो भाई साहब, एक ठो खेत में देखो, इसमें जो है पूरा छिड़काव कर लिए, करने में लगभग 5 से 6 मिनट लगा इसमें। चलो इसमें और डालते हैं भाई, सेकंड नंबर का बारी है।
वाले स्प्रेयर का इसमें का दवा जो है ख़त्म हो गया, अब दोबारा रिफिल करना है, इसमें दवा जो है फिर से डालना है। खेत के अंदर चलने में ना घाना खड़बड़ हड़बड़ हो रहा है, मेरा पैर जो है इधर उधर टाइप से आधा मिसिंग हो गया। ये देखो वो लोग भी आ रहे हैं और ये मैं भी, तो चलो बाहर निकलते हैं भाई। कैसा एक्सपीरियंस है भाई? बेहतरीन बेहतरीन, मज़ा आ गया। इन काम में मज़ा आ रहा है, कोई भी काम हो एंजॉय के साथ करो ना तब बहुत बहुत मज़ा आता है। वजन होने की वजह से पैर जो है इधर उधर लड़खड़ा रहा है भाई, और ये पूरा ना खेत के अंदर गीला में मिट्टी है, चलने बहुत हालत ख़राब हो जा रही है। ये देखो तो यहाँ सब निकलते हैं, ये खेत भी कंप्लीट हो गया भाई साहब। हाँ हालत ख़राब, लेकिन चलो ये हो गया, अब इसके बाद ये सामने वाला। तो भाई अपन दवा तो डाल ही रहे थे, लेकिन स्प्रे करते करते भाई जो है मेरे को यहाँ खेत तक बहुत दूर से आया यार। राहुल कुमार मेरा नाम है, मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से भाई छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मतलब दिल्ली से पहुँच गए, और मेरे को तो यार यकीन भी नहीं हो रहा कि उतने दूर से यहाँ तक मेरे घर, और घर से देखो खेत में सीधा सीधा। सरप्राइज़ कर दिया भैया जो है, और मतलब मिल के बहुत ज़्यादा खुशी हुआ मेरे को इतने दूर से मिलने आया करके, मतलब बहुत बड़ी बात है मेरे लिए भाई। भैया वीडियो जो है कैसी लगती है? वीडियोज अच्छी बनाते हैं, और आप लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया करो, और इम्प्रूव करो, हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को भी सपोर्ट करो, ये हमारे यहाँ के लोग भी आगे बढ़ें, जैसे और राज्यों के लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम भी चाहते हैं हमारे यहाँ के लोग और आगे जाएं काफ़ी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें। और एक चीज़ और यार, कि भाई जो है कोई मतलब प्रमोशन वमोशन चैनल प्रमोशन कर दे करके नहीं यार, सिर्फ मेरे से मिलने के लिए आया तो वो ज़्यादा बेटर लगा, ना कोई प्रमोशन ना कोई मतलब, पूरा अपना टाइम जो खास मेरे से मिलने के लिए, तो मतलब बहुत अच्छा लगा फिर मिल के। ये चीज़ ऐसे टाइप से लोग आते हैं ना तब बढ़िया लगता है भाई। बस यही कहना चाहूँगा कि आप इनकी वीडियोज़ को ज़्यादा ज़्यादा देखें, और लाइक किया करें यार, लाइक किए और सब्सक्राइब किया करें और शेयर किया करें, और अपने और फ्रेंड सर्कल्स में इसको दिखाया करें कि हाँ हमारे से भी कोई है जो कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं। भैया तो यहाँ नेचुरल मतलब थोड़ा सा आके खेत वेत में कैसा लग रहा है आप? तो बहुत अच्छा लग रहा है, वहाँ तो इतना पॉल्यूटेड एरिया रहता है, दिल्ली तो, में रहते हो तो दिल्ली का हाल तो जान रहे हैं कैसा है। यहाँ पे मैं काफी पिछले 10 दिन से हूँ, तो काफी अच्छा फील कर रहा हूँ यहाँ। ठीक है, मैं तो अभी काम कर रहा हूँ खेत में, नहीं तो घुमाया रहता थोड़ा सा और यहाँ आस पास को, उस वजह से घुमा भी नहीं पाया, टाइम नहीं दे पाया उतने अच्छे से, तो बुरा मत मानना भैया उतना। ठीक है, तो भाई काफ़ी दूर से भाई जो आए थे, राहुल नाम बताया उनका, तो मतलब बहुत बढ़िया लगा यार कि उतना दूर से ढूंढते ढूंढते मेरे को यहाँ तक पहुँच गया। और एक चीज़ सबसे ज़्यादा उनका अच्छा लगा कि बिना कोई मतलब बिना कोई स्वार्थ के मेरे से सिर्फ मिलने के लिए आए थे भाई, नहीं तो जनरली जो लोग आते हैं कोई भी हर कोई भी बंदा अगर आता है तो खाली प्रमोशन के नाम से आता है कि भाई मेरा यूट्यूब चैनल है मेरा प्रमोट कर दो। तो भाई आधा घंटा तक उसको बात किया, दिखाया, ठीक लगा बात करके, और फिर भाई जो है चला गया। अब अपन अपने काम पे फिर से वापस। ये देखो उधर पांच खेत में हो गया, ये छठवा सातवा जो है रनिंग में है भाई साहब, काम जो है चालू है। चलो मैं भी शुरू कर देता हूँ। तो भाई साहब आराम से रहेंगे, कमावत है सबके, तीनों के तीनों चलावत, दो जने भाई लोग और एक मैं। चलो छींचना शुरू करते हैं भाई, लास्ट स्पेयर का लास्ट एक और बचे। तो भाई फाइनली जो है स्पेयर चल गया है, कीटनाशक डाल दिया, दवाई डाल गया पूरा सभी खेतों में। और देखो जो दवा डाल रहे थे अपन ना, तो इस बीमारी के लिए डाल रहे थे, इसको बोलते हैं तना छेदक का बीमारी, और इसी की रोकथाम के लिए डाल रहे थे अपन जो दवा जो है। इसमें क्या होता है कि ये जो पौधा है ना धान का चावल का, उसको बीच से देखो एक कीड़ा जो काट लिया है, फिर काटने के बाद ये ऐसा गोल टाइप से हो जाता है, राउंड टाइप से, और इसमें दूध जो है चावल का बीज जो है नहीं आ पाते, पूरा ख़राब हो गया, वेस्ट हो गया, सूखने लगता है इसी, तो इसी की रोकथाम के लिए कीटनाशक डाले पूरा खेतों में सभी में। अभी थोड़ा थोड़ा आया है, ज़्यादा आया नहीं है, तो शायद अब बीमारी जो है कट जाएगा, नहीं आएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इसको क्यों डाले। चलो अब मैं नहा ले रहा हूँ फिर। तो भाई फाइनली मैंने नहा लिया है, और नहा वहा के यहाँ से निकल रहा हूँ घर के लिए, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग गई है भाई साहब, 12 से ज़्यादा बज रहे हैं, मतलब 12:30
बज रहे हैं। मार्केट नहीं गया लेकिन फिर भी देखो इतना सारा काम था घर पे कि पूरा आधा टाइम तो ऐसे ही निकल गया। चलो जल्दी से चलते हैं। भाई अभी बज रहे हैं शाम के 4 और खाना वाना खा के मैं सो गया था, फिर अभी उठा क्योंकि थक गया था ना तो, और थोड़ा सा स्पिरिट चढ़ने की वजह से कंधा कंधा में दर्द दे रहा है भाई साहब। और घर में तो अभी कोई नहीं है यार, पूरा घर जो है खाली है, ये देखो कोई है ही नहीं। और मेरा जो है ना देखो सब्जी जो है बचा हुआ है यार, ये देखो करेला बचा हुआ है मेरा मंडे का, और ये टमाटर भी पड़ा है और आलू भी। तो ऐसा कि मंडे का ना बहुत सारा सब्जी जो है मेरा पड़ा है। आज वेडनेसडे है, मतलब नंगोई का मार्केट है लेकिन मार्केट नहीं गया मैं। तो गाइस अभी तो कहीं नहीं जा रहा, बस घर में ही रहूँगा अब जो है। चलो मैं वीडियो को अपना एडिट कर लेता हूँ। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और अच्छा नहीं लगा डिसलाइक भी कर सकते हो। और ये वीडियो कैसा लगा उसको कमेंट कर जरूर बताना। तो गाइस मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। देखो इधर आगे भाई लोग भी छींच रहे हैं। कैसा चल रहा है काम छोटे?